हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी मेकअप बाय नूजी। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आई नो इट्स सो लॉन्ग, आई हैव नॉट पोस्टेड एनीथिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, ऑन माय इंस्टाग्राम, ऑन माय फेसबुक, बिकॉज आई वाज नॉट वेल। मेरी जो आईज़ हैं बहुत बुरी एलर्जी हुई हुई थी, ब्लू भी मेरा जो है वो ऑन एंड ऑफ ही था। तो फाइनली आई एम ओके, सो आई थॉट के रिकॉर्ड करूँ। सो ये आज की जो वीडियो है, इट्स अबाउट मेकअप ब्रशेस। इट्स टोटली डिटेल वीडियो अबाउट मेकअप ब्रशेस। उसके साथ साथ ये होगा कि थोड़ी सारी वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन आप लोग अगर पूरी वीडियो देखोगे तो ट्रस्ट मी वर्थ है आपका ये वॉच करना, क्योंकि मैं हर ब्रश के साथ प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को गाइड करूँगी, मेकअप का, हर चीज़ का, आई मेकअप का, फेस मेकअप का। इसके अलावा मैं आप लोगों को हर ब्रश का अल्टरनेटिव भी बताऊंगी, ताकि आप लोगों के पास अगर सेम ब्रश नहीं है तो आप लोग उसी तरह का कोई और अल्टरनेटिव भी ब्रश ढूंढ सकते हो। क्योंकि ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल के लिए है। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने कभी मेकअप नहीं किया होता, तो ऑब्वियसली उनको ब्रशेज़ का आइडिया नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने टोटली ब्रशेस का बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बताया है आप लोगों को। लेकिन ये जो वीडियो है ये प्रोफेशनल के लिए पार्ट वन है, लेकिन दूसरा जो पार्ट टू है वो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करूंगी, जिसमें मैं बिगिनर्स के लिए बताऊंगी और बहुत कम ब्रशेस बताऊंगी बिगिनर्स के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सो जस्ट कीप मी वॉचिंग। अच्छा जी, तो मेकअप में मैं सबसे पहले जो है आईब्रो से स्टार्ट करती हूँ। तो आईब्रो के लिए मैं जो ब्रशेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरे पास तीन ब्रशेज हैं, तीनों का सेम काम है, एंगल ब्रशेज हैं जो कि हम आईब्रो बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला ब्रश है मेरे पास मैक 2266, देन दूसरा है मेरे पास जेसप का 317, और उसके बाद मेरे पास है जोइवा का 317। सो बेसिकली जो जेसप और जोइवा का ब्रांड है, इनके ब्रशेस ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं ले रही हूँ जेसप का 317, और इसके साथ मैंने अपना आईब्रो का जो कलर है वो ले लिया। इसी ब्रश के साथ अपने आईब्रो को फिल करूंगी। तो मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन की इन शेड डार्क ब्राउन। ठीक है, आईब्रो बनाने के लिए इस तरह का एंगल ब्रश ही यूज होता है। ऑब्वियसली आप लोग ब्लेंडिंग ब्रश के साथ तो आईब्रो नहीं बना सकते, तो आप लोगों को इसी तरह का कोई ब्रश चाहिए होता है। देन लास्ट पे आप लोग इसी ब्रश के साथ लाइट से स्ट्रोक दें फ्रंट पे, ताकि आपकी जो शेप है वो फ्रंट से नेचुरल लगे। इसके बाद आप लोगों को चाहिए हो कोई से भी इस तरह की स्पूली ले लो, या फिर ये मस्कारा वैंड है इसको ले लो। तो ये जो है जो आपकी स्पूली होती है आईब्रो के लिए, ये इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती, लेकिन जो मस्कारा वैंड है ये थोड़ा सारा हार्श होता है। एंड इसके साथ मैं अपने आईब्रो को, जो मैंने कलर लगाया था, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आईब्रो हमारे हो गए, आईब्रो के ब्रश का भी पता चल गया। अब हमारा आता है ब्रश नंबर टू, जो कि हम लोगों को चाहिए कंसीलर अप्लाई करने के लिए अपनी आईलिड पे, क्योंकि कंसीलर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई मेकअप के लिए। अगर आप लोग नहीं अप्लाई करोगे तो आपकी जो आई शेडो है वो पॉप भी नहीं करेंगे, और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा। तो मेरे पास इनको हम लोग फ्लैट कंसीलर ब्रश बोलते हैं। तो ये मेरे पास तीन है। इन ज़्यादा ब्रशेज दिखाने का मकसद यही है कि आपको इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर समझ आ जाता है, कोई सा भी ब्रश इजीली आप लोगों को मिल जाता है, तो आप लोग वो ले सकते हो। पहला ब्रश जो है ये मेरे पास स्क्वायर टाइप का है, जो कि है मोर्फी M432। दूसरा है मेरे पास जोइवा का 141, जो कि थोड़ा सा बड़ा फ्लैट ब्रश है। उसके अलावा तीसरा मेरे पास है मास्टर स्ट्रोक। इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कंसीलर अप्लाई करने के लिए। मैं कंसीलर ब्रश के साथ कंसीलर ले रही हूँ, और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने आईब्रो के नीचे, एक आउटलाइन दूंगी। बहुत ज़्यादा आईब्रो के टू क्लोज नहीं चल जाना, इसकी जो टिप होती है ना ये बहुत ज़्यादा वो पतली टाइप होती है, तो आपको एक एंगल सी शेप मिलती है। जस्ट आप लोगों ने अपनी आईब्रो को आउटलाइन करना है, ताकि आपकी जो शेप है वो ड्रामेटिकली लगे। बाकी का कंसीलर जो है मैं उसको अपनी पूरी आईलिड पे इसी के साथ अप्लाई कर दूंगी ब्रश के साथ। दूसरा कंसीलर मेरे पास है मोर्फी का, ये स्क्वायर शेप में, इसका नंबर है M432। इसको भी मैं लगाने का तरीका आपको बता देती हूँ, इसको कैसे यूज करते हैं। देन अप्लाई करो कंसीलर को अपनी आईलिड पे।
कंसीलर आप लोग अपनी फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। देन सेम तरीके से आपने कंसीलर लेके अपनी आईब्रो को ऊपर से भी क्लीन करना है। मेक श्योर के कंसीलर आपके आईब्रो के टू क्लोज ना चला जाए, को फिंगर के साथ ब्लेंड कर दो। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारे मेकअप की बारी। तो मेकअप के लिए हमें चाहिए आई मेकअप ब्रशेस। आई मेकअप ब्रशेस में सबसे पहला जो ब्रश है मेरे पास वो है इसका एक्चुअली कोई नाम नहीं है, लेकिन ब्रश जो है ये मैंने ईबे से लिया था। इफ़ यू कैन सी, ये बड़ा फ्लफी सा ब्रश है। दूसरा ब्रश है मेरे पास जोइवा 228। इसका भी आगे से फ्लफी है लेकिन आगे से थोड़ी सी इसकी टिप निकली हुई है। तीसरा ब्रश है मेरे पास जोइवा 227। दिस ब्रश इज गेम चेंजर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रश है ये। तो आई मेकअप में सबसे पहले हम लोग अपना अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा लाइट कलर। जब आप लोग अपना आई मेकअप करते हो, आप कोई से भी पैलेट में देख लो, आपको हर पैलेट में कोई ना कोई लाइट कलर मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले जो है लाइट कलर ही अप्लाई करना होता है। सबसे पहले मैं अपना कोई सा भी लाइट ब्राउन कलर लूंगी इस पैलेट में से, और इसको मैंने अप्लाई करना है अपना क्रीज के ऊपर। ये हमारी क्रीज है और क्रीज के ऊपर मैं अप्लाई करूंगी। और ये बड़े फ्लफी ब्रश के साथ जब आप लोग कलर लगाते हो तो ये लगाते ही ब्लेंड हो जाता है। अब मैं ले रही हूँ जोइवा का 228। सेम कलर मैं दूसरे ब्रश पे लूंगी और उसको भी आप लोगों ने अपनी क्रीज के ऊपर लगाना है। ऑलवेज आप लोग ब्रश को पीछे से पकड़ो, जितना आप लोग ब्रश को पीछे से पकड़ोगे उतनी आपकी जो ब्लेंडिंग है वो अच्छी होगी। दूसरा कलर जो मैं अप्लाई करूंगी मीडियम ब्राउन होगा और वो मैं अप्लाई करूंगी इस 227 जोइवा के ब्रश के साथ। और ये आप लोग देख सकते हो कि इतना ज़्यादा कोई फैला हुआ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सेम डार्क कलर इसी ब्रश के साथ लगाएंगे तो वो इसी जगह पे ही लगेगा। अब हम लोगों ने कलर थोड़ा सा लगाना अपनी क्रीज में, जो हमारी क्रीज है उसको डेप्थ दे देनी है। तो मैंने ये ब्राउन कलर लिया है। अब इसको मैंने यहाँ से कॉर्नर पे रख के, तो यहाँ से मैं इसको ब्लेंड करते हुए अपनी क्रीज में लेके जाऊंगी। बहुत ही जबरदस्त ब्लेंडिंग ब्रश है ये। आई डोंट नो कि मैं ब्रशेस की क्लास दे रही हूँ या मेकअप की क्लास दे रही हूँ या पूरी क्लास दे रही हूँ, तो आप लोग यही समझ लो कि क्लास ब्रशेस की है लेकिन विद मेकअप के डेमो के साथ। ठीक है, नंबर फोर ब्रश जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को चाहिए ये इस तरह का मिनी टेपर्ड ब्रश। एक ब्रश है मेरे पास जोइवा का 231 और दूसरा है जैसप का 231। तो जोइवा के सारे ब्रशेज हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने जोइवा का जो है ये पाउच खरीदा था, तो इसमें आप लोगों को सारे सेम ब्रशेज मिल जाएंगे जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को सेपरेट से बाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सस्ट पाउच खरीद सकते हो। ये छोटा ब्रश मैं इसलिए ले रही हूँ कि जाहिर सी बात है अब मैंने मीडियम कलर के बाद थोड़ा डार्क कलर लगाना है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन होगा, तो वो ब्राउन इसके साथ मैं नहीं लगा सकती। अगर इसके साथ मैंने डार्क कलर लगाया तो यहाँ पर लगाते हुए सारा फैल जाएगा। इसके लिए आप मुझे छोटा ब्रश चाहिए ताकि मैं जस्ट अपनी क्रीज के अंदर डेप्थ दूं। तो दोनों ब्रश आप लोग देख सकते हो, दोनों ब्रश जो है वो बिल्कुल सेम है। मैं ले रही हूँ जैसप का 231 और इसके साथ मैं अब थोड़ा सारा डार्क ब्राउन कलर लूंगी इसकी टिप पे और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज पे। अच्छे ब्रश खरीदना चाहते हो तो यू हैव टू ऑप्शन, जोइवा या जैसप, क्योंकि दोनों के सेम है, जस्ट प्राइस का फर्क है। आंखों पे आप लोगों ने कलर लगा लिया, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि आपने अपनी लिड पे कुछ अप्लाई करना है या नहीं करना। मोस्टली हम लोग जो है शिमरी कलर अपनी लिड पे अप्लाई करते हैं। फिंगर के साथ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इस तरह का कोई जो सेटिंग ब्रश होता है उसके साथ भी आप लोग अपना जो शिमर है वो अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, अब जो है मैं आप लोगों को फेस के ब्रशेस का गाइड करूंगी, क्योंकि जो हमारा आई मेकअप के ब्रशेस बच गए हैं वो मैं फेस ब्रशेस के बाद आप लोगों को बताऊंगी। सो फेस मेकअप ब्रशेस में सबसे पहला ब्रश होता है इस तरह का ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका नाम नहीं पता, ये इस तरह का होता है, आपको शेप देख के आइडिया हो जाएगा। मेरे पास एक्चुअली इस तरह के दो हैं, एक बड़ा एक छोटा है। तो इसको मैं मोस्टली प्राइमर अप्लाई करने के लिए यूज़ करती हूँ। आप लोग इसी के साथ फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया हुदा ब्यूटी का प्राइमर एंड देन मैं इसी ब्रश के साथ अपने प्राइमर को अप्लाई करूँगी।
आप लोग चाहो तो आप लोग प्राइमर हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो, स्टिल हाथ से ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होता है। अब बारी आती है फाउंडेशन की, कि फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करें। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि फाउंडेशन किस चीज़ से ब्लेंड करें। फाउंडेशन ब्लेंड करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हाथ से ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ ब्रशेज हैं फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, ब्यूटी ब्लेंडर भी है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला ब्रश जो सबसे बेस्ट ब्रश है फाउंडेशन अप्लाई करने का और ब्लेंड करने का, वो है जेसप का 103। बहुत अच्छी फाउंडेशन ब्लेंड होती है इसके साथ। दूसरा ब्रश है मेरे पास जो कि मेरा ये भी फेवरेट है, रियल टेक्निक का ब्रश। तीसरा ब्रश सेम अगेन मेरे पास जेसप का 110। के बाद है मेरे पास ये MSQ का, जिसके साथ मैंने प्राइमर अप्लाई किया था। मैं समटाइम अपनी फाउंडेशन इसके साथ भी अप्लाई कर लेती हूँ। एंड मेरे पास दो ब्यूटी ब्लेंडर हैं, जिसमें एक मेरे पास है जूनो एंड को का, दूसरा है रियल टेक्निक का। रियल टेक्निक का बहुत बड़ा ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर है, जब इसको आप लोग वेट करते हो तो वही और बड़ा हो जाता है। तो मेक श्योर करो कि जब आप लोग फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, अपने ब्यूटी ब्लेंडर को सेम टाइम पे वेट मत करो, थोड़े टाइम पहले वेट करो। जैसे अगर आप लोगों ने शाम को मेकअप करना है तो आप लोग इसको सुबह सुबह के टाइम पे वेट करके अच्छी तरह निचोड़ लो, ताकि जब शाम का टाइम आए तो ये गीला ना हो। इसमें थोड़ी थोड़ी जो होती है ना नमी और सॉफ्टनेस, वो फिर इसमें आ जाती है। तो एक साइड पे मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी ब्रश के साथ और दूसरी तरफ में मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। तो आप लोग डॉट्स में भी अपनी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो एंड आप लोग डायरेक्ट ब्रश के साथ भी अपनी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। हाय, मेरे बाला तो लग गई फाउंडेशन। सो दूसरी तरफ मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। उसको भी अप्लाई करने का सेम तरीका है। ब्यूटी ब्लेंडर से ये होता है कि अगर आप लोगों को फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करो। एवरीडे फाउंडेशन चाहिए तो आप लोग हाथों से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो, लेकिन मीडियम कवरेज चाहिए तो ऑलवेज यूज ब्रश। इफ यू कैन सी, ठीक है। हुण वारी आंदी है थोड़े कंसीलर दी। ब्रश इस तरह का होता है, ये भी मेरे पास है जेसप 110 का। दिल दिल खोल के लाइयो, अपना ही मुंह है। इस ब्रश के साथ भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, अपना कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को इस ब्रश के साथ एक और ट्रिक बताऊंगी। ब्रश जो है जिसके साथ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, इसी के साथ मैं अपनी जो कंटूरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इसके साथ, ठीक है। मैंने ब्रश को थोड़ा सारा क्लीन कर लिया था। इसके बाद आपका स्टेप होता है कि पाउडर अप्लाई करने का। मैं पाउडर दो तरीके से अप्लाई करती हूँ। इस तरह का ब्रश है ये मेरे पास, आर्टिक है। कोई सा भी आप लोग ब्रश ले लो और अपना पाउडर जो है इस ब्रश के साथ आप लोग अपना पाउडर आंखों के नीचे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को इस तरह का बड़ा सा ब्रश, जो फ्लफी सा बड़ा सा ब्रश होता है, इस तरह का पाउडर ब्रश, इसके साथ भी आप लोग अपना पाउडर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, पूरे फेस पे। या अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो आप लोग पाउडर जो है कॉम्पैक्ट पाउडर है कोई सा भी, तो आप लोग इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हो। हमारी बारी आती है जी कंटूरिंग की। कंटूरिंग में मेरे पास है जेसप का 127। इस तरह का एंगल ब्रश होता है कंटूरिंग के लिए। दूसरा मेरे पास है MSQ का, ये भी आप लोग देख सकते हो एंगल ब्रश है। तीसरा मेरे पास MSQ का है, इस तरह का आपको जेसप में भी मिल जाएगा सेम टू सेम। ब्रश के साथ आप लोग अपना कोई सा भी जो ब्रोंजर है वो भी अप्लाई कर सकते हो। और ऑलवेज आप लोगों का ये ब्रश जो ना इस तरह से आता है, जो इसका ये बड़ा हिस्सा है ना, इसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ रखना है एंड देन आप लोग अपनी कंटूरिंग इसके साथ ब्लेंड कर सकते हो। का भी तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है अप्लाई करने का, सेम वही ब्रश है, ठीक है। एंड उसी तरह का एक और बड़ा फ्लफी ब्रश है, ये पाउडर ब्रश नहीं है, लेकिन
उस जैसा ही है। तो ये दो ब्रश हैं, दोनों को हम लोग ब्लशर अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने अगर ब्लशर अप्लाई करना है ना, तो हंस के इधर लालियां लगा ली आप लोगों ने, छोटे ब्रश के साथ भी आप लोगों ने हंस के स्माइल करके आपने अपने चीक्स पे लालियां लगा ली। नेक्स्ट ब्रश जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है हाइलाइटर ब्रश। हाइलाइटर ब्रश कितनी तरीकों से लग सकता है हाइलाइटर आपका। एक है मेरे पास फैन ब्रश, जिसका बहुत सारे लोगों को पता है, हर किसी को ऑलमोस्ट पता है। दूसरा इस तरह का होता है, तो फ्लफी है, आगे से थोड़ा सा टिप टाइप है। मेरे पास ब्रश है, वो भी ब्लेंडिंग ब्रश है, इसको आई मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली सेम टू सेम दो थे, तो इस वजह से मैंने जो एक है वो हाइलाइटर के लिए यूज़ कर लिया है। तो मैं आप लोगों को तीनों के साथ हाइलाइटर लगाने का तरीका बता देती हूँ। जस्ट अपने ये जो आपका चीक बोन है ना, यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरा ब्रश है जी मेरे पास फैन ब्रश। फैन ब्रश के साथ जब आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो आपके हाइलाइटर के खाते बिल्कुल खुल जाते हैं। तीसरा ब्रश है मेरे पास, तीसरे का तरीका भी सेम है। नोज पे और टिप पे जो है आप फिंगर के साथ अप्लाई कर सकते हो, एंड सेम जो ब्रश है उसके साथ आप लोग अपने लिप्स को भी हाईलाइट कर सकते हो। अपने इसके फेस ब्रशेस जो हैं वो हो गए ऑलमोस्ट। अब आते हैं हम लोग आई मेकअप के ब्रशेस पे जो हमारे रह गए थे। अब मेरे पास ये दो ब्रशेस हैं, एक है जोइवा का 226 और एक है जोइवा का 230। एक जो है इस तरह का स्मजर ब्रश है, दूसरा है मेरे पास 230 इस तरह का पेंसिल ब्रश। आप लोग देख सकते हो इसकी टिप है और ये एक स्मजर ब्रश है। आई शेडो आप लोगों ने लेना है और आईज के नीचे अप्लाई करना है। ब्रश के साथ भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी, कलर लो और उसको अपनी आंखों के नीचे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये ब्रशेज जो है ये हमारे आंखों के नीचे इस्तेमाल होते हैं। मेरी आंखों को थोड़ी सारी एलर्जी हुई है तो वो वॉटरी आईज हो जाती है मेरी मस्कारा के साथ, तो आई एम नॉट गोना डू एनी मस्कारा। एंड फिर आप लोगों ने क्या करना है, बड़ा सा फ्लफी ब्रश लेना है और अपना जो आप लोगों ने आईज के नीचे पाउडर लगाया था उसको डस्ट ऑफ कर दो। लिपस्टिक ब्रश कैसे होते हैं इस तरह के, लोग कोई सा भी अपना जो हाईलाइट कलर होता है ना, ऑफ वाइट ले लो या वाइट मैट आई शेडो भी ले सकते हो वाइट, इसके साथ आप लोगों ने लेना इसकी टिप पे और आप अपने इनर कॉर्नर को भी इसी ब्रश के साथ हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन सेम आप लोगों ने इसी ब्रश के साथ अपना ब्रो बोन भी हाईलाइट करना है। मेक श्योर कि आपका जो ब्रश है वो क्लीन होना चाहिए। Don't forget to like, comment and subscribe to my channel. And guys, I will see you later. Take care. Bye.